तो फिलहाल हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे हम लोगों ने तीन पेंटिंग खत्म किया है, मतलब तीन वॉल में तीन पेंटिंग खत्म किया है, और उस जगह का नाम है सपनों का भोजनालय, इन इंग्लिश बोले तो ड्रीम कैफे। अब कैफे का हिंदी क्या होता है मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने भोजनालय बना दिया उसको। खाना खाने की आदत हर किसी को होती है, हमें भी होती है, आपको भी होती है, हर कोई आज के जमाने में फूडी है। और ये जो कैफे है हमारे प्यारे शहर सिलचर में है, सिटी ऑफ लव। शुरू करने से पहले आज का परिचय, तो स्वागत है आप सभी का आज के कला समारोह में। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं हर बार हमने जिस भी म्यूरल में काम किया है उस म्यूरल का साइज बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते गए। तो इस बार हम लोगों ने जिसमें काम किया और भी ज्यादा बड़े वॉल पे किया है, टोटल तीन पेंटिंग है, आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं, चलिए। So, यहाँ पे हमारा कलर रेडी है, वॉल पे लेआउट रेडी है, और सीधा जाके हम कलर करेंगे बैकग्राउंड से, मतलब इस पेंटिंग के जो बैकग्राउंड है यानी कि वो पेज, और उसके साइड में जो क्लॉक टावर और बुद्धा के कैरेक्टर के पीछे का जो वॉल है, जो कलरिंग है, हमें पहले वो सब खत्म करना है ताकि बाकी के कैरेक्टर्स को बाद में करने में आसानी हो जाए। इस पेंटिंग में हमें बहुत सारे शेड्स बनाने पड़ रहे हैं, और अभी भी सिर्फ आधा ही पेंटिंग खत्म हुआ है, अभी तो और बाकी है। सो फाइनली आफ्टर 5 days फर्स्ट वॉल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग सीधा जंप करते हैं सेकंड वॉल पे। चलिए, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पहला वाला पेंटिंग है खत्म करते करते हम लोग सेकंड वाले पेंटिंग का भी लेआउट पहले से रेडी रख रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी काम खत्म कर सके। और वैसे इस काम में हमें ज्यादा समय लगा नहीं है, सिर्फ 2 दिन लगा है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, बस ज्यादा डिटेल भी नहीं है। हमारा सेकंड वॉल भी खत्म हो चुका है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको कवर कर दिया क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये ज्यादा मैला हो सकता है। तो अभी बढ़ते हैं तीसरे वॉल की तरफ। ये हमारा तीसरा वॉल, आपको दिख ही रहा होगा कि येलो कलर में, इसमें भी हम लोगों ने पहले से ही लेआउट रेडी रखा है, और इस जगह पे थोड़ा सा कंजेस्टेंट है, हम लोग को कैमरा प्लेस करने का जगह नहीं मिला है, तो हम लोगों ने सीढ़ी में ही लगा दिया। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। और यहाँ पे अभिषेक के फिनिशिंग देने के साथ साथ ये तीसरा वॉल भी खत्म हो चुका है। ये थर्ड पेंटिंग है, और भी ज्यादा जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कैफे का काम चल रहा है, अब उसको ओपनिंग भी तो करना है कैफे का, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वैसे हम लोगों ने जितना टाइम दिया उस हिसाब से हम लोगों ने 12 आवर्स के अंदर खत्म किया। भले ही 2 दिन में 12 आवर्स को कवर किया, लेकिन 12 आवर्स में ही खत्म किया। So finally after 9 days of hard work, हमारा पेंटिंग रेडी है और कैफे भी लगभग रेडी हो चुका है, तो अभी सीधा जाके देखते हैं कि ये रिजल्ट में कैसा लग रहा है इस कैफे के साथ।
दोस्तों, जैसे कि आपने देख चुका है, हमारा वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट है, पैक्ड है। और ये इस कैफे के बारे में मेरे दोस्तों ने सब कुछ बता ही दिया है। इस कैफे का नाम है ड्रीम कैफे, और कभी भी अगर आप कुछ भी खाने का मन करे, बिग बाजार के ऑपोजिट में ही आके खाइए, मजे लीजिए। और हमारे पेंटिंग के सामने फोटो खींचना मत भूलो, और हमें टैग करना मत भूलो। हां, बहुत सारा काम बस देखो और कमेंट करो। बाय लोग, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेटिंग फॉर देम। तो भाई लोग, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, कैसे घूमते काम तो मेरे चैनल में आ गए तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे डिलीवरेंस चेक करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले कला समारोह में। मैं किरण, और देखते रहिएगा किरण की आर्ट।